सो हे फैमिली, कैसी आप लोग। मेरा नाम है ब्रह्मा और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्रो में। कल की फिल्म रिलीज हो चुकी है और कल की फिल्म ने सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया, धुआं धुआं कर दिया। हम सब लोग जानते हैं कि कल की फिल्म ने काफी तगड़ा जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कलेक्ट किया है, लेकिन क्या आप लोग ये चीज जानते हो कि कल की फिल्म ने जितना ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कलेक्ट किया है उससे ज्यादा इस फिल्म का जो है वो वाइप बन चुका है। इस फिल्म में हम लोगों को अमिताभ बच्चन देखने के लिए मिले और इनकी गोल्ड लेवल परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिली। और अगर आप लोगों ने अमिताभ बच्चन जी का जो परफॉर्मेंस देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि अमिताभ बच्चन जी का इस फिल्म में जो रेफरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिला है, जो इनका किरदार देखने के लिए मिला है, वो कितना ज्यादा जो है अंडर रेटेड है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि यार कैसे भी करके जो है ओस्कर अवार्ड दे दिया जाए अब तो अमिताभ बच्चन जी के हाथ में। मैं भी देखना चाहता हूँ यार इस चीज़ को। अगर आप लोग भी यही चाहते हो ना कि अमिताभ बच्चन जी को ओस्कर अवार्ड दिया जाए, तो आप लोग जो है ट्विटर अकाउंट पर जाओ और वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे भी फॉलो करना। साथ ही हम लोग वहाँ पर ट्वीट करेंगे कि अमिताभ बच्चन जी को जो है मतलब नॉमिनेट किया जाए इस चीज़ के लिए। बाकी मैं तो ये चाहता ही हूँ, जरूर चाहता हूँ मैं कि कल के फिल्म को ओस्कर अवार्ड मिल जाए, लेकिन अमिताभ बच्चन जी को भी एक ओस्कर अवार्ड तो दे देना चाहिए। इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी ऐसी गोल्ड लेवल परफॉर्मेंस, भाई ये एक पागलपन है, मतलब अपने काम के लिए डेडिकेशन है। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ। बाकी अगर आप लोग भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुए, अगर आप लोगों को भी लगता है कि यार अमिताभ बच्चन जी को ओस्कर अवार्ड दे देना चाहिए, मतलब ओस्कर अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को मिलना चाहिए, तो आप लोग भी जो है कमेंट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को कोई और अगला वीडियो चाहिए इस टॉपिक के ऊपर तो कमेंट करके मुझे बता देना। बाकी मिलते हैं जी हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।